फिलहाल आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बड़ी बातें जल्दी से जान लेते हैं विस्तार से। जी हाँ, उस राज्य की क्या हालत होगी जहां मुख्यमंत्री घटनास्थल पर तब जाते हैं जब उन्हें केंद्र से निर्देश दिया जाता है। अब तक की बड़ी बातें सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, पंचकुला तो जल रहा है। गुरमीत सिंह रेप केस में दोषी करार, 28 को होगा सजा का ऐलान। जी हाँ, आज अप्रत्याशित हिंसा हमने देखी पंचकुला कोर्ट के बाहर, और यही नहीं देश के कई हिस्सों में दिखाई दी। हरियाणा हिंसा में अब तक 28 लोगों की मौत, कौन जिम्मेदार है इस मौत के लिए? इस सवाल का जवाब कौन देगा? पंचकुला में भीड़ ने 100 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी, 100 गाड़ियां, और वो तस्वीरें हम आपको लगातार एबीपी न्यूज पर भी दिखा रहे हैं कि क्या हालात वहां बने हुए हैं, किस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। देखिए, संगरूर, बरनाला, बिजली में घर में आग लगा दी गई है। मोहाली के सुहाना में भी तोड़फोड़ हुई है। आप देख रहे हैं कितने राज्य इसके अहाते में हैं। मानसा में इनकम टैक्स, बिजली घर में आगजनी, ये कैसी भक्ति है भाई? पंजाब के 5 शहरों में कर्फ्यू, पंचकुला में कर्फ्यू, ये भक्ति है एक व्यक्ति के प्रति? और ये हालत दिखाई दे रही है। बहरहाल, बाकी खबरों के लिए सीधे रुख करना चाहेंगे हम चित्रा का। पंजाब के 5 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो जल रहे हैं। राम रहीम, जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, उन्हें दोषी करार दिया गया, और उसके बाद उनके समर्थकों की ओर से गुंडागर्दी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 4 बजे की ये तस्वीरें हैं। इतनी ज्यादा हिंसा साफ तौर पर सरकार की नाकामी को दिखाती है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल होने के बावजूद हिंसा हुई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।